हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस हिंदी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है डिजिटल क्यूर। दोस्तों, आज हमारे पास है एक ये डीलिंक का 2730U मॉडेम राउटर। तो इस राउटर की सेटिंग कैसे करनी है दोस्तों, देख लीजिए। जितने भी डीलिंक के आपके पास राउटर आएंगे, सबकी सेटिंग आपको सेम करनी है और यही करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका यहाँ पर मॉडल दिखा देता हूँ आपको। अभी थोड़ी लाइट ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, तब आप देखिए। अब यहाँ से देख लीजिए 2730U। तो इसमें हमें सेटिंग करने से पहले एक बार इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसमें क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं हमें दोस्तों। तो इसमें जब आप लोग यहाँ पर राउटर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको चार यहाँ पर पोर्ट दिख जाएंगे। मैं एक बार ये फाड़ लेता हूँ दोस्तों, एक नया सेटर, नया राउटर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें चार लैन के पोर्ट मिल जाते हैं दोस्तों। एक पहला तो यहाँ पर हमें देख लीजिए, एक तो हमें ये एंटीना मिलेगा, उसके बाद में हमें दूसरे बाद में यहाँ पर हमें DSL का यहाँ पर मॉडेम यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। जो आप लोगों को BSNL की लाइन होगी, उस लाइन पर ये लगता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद में आपको ये जो है यहाँ पर ये लगेगा, आपको लैन केबल होता है दोस्तों, आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होगा। ऐसे आपके चार होते हैं दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर जो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर हमें दो बटन दिए जाते हैं दोस्तों। पहला WPS का होता है, जिससे आप अपने मोबाइल में नेट कनेक्ट कर सकते हैं। और नीचे ये वाईफाई का बटन होता है दोस्तों, वाईफाई ऑन या ऑफ करने का। आप इस बटन से अपने वाईफाई को ऑफ कर सकते हैं और वो हिडन नहीं होगा, सिर्फ आपके कंप्यूटर में चलेगा। उसके बाद में पावर का बटन और ये पावर की केबल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका सेटअप करते हैं अपने कंप्यूटर से स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में आ जाएंगे दोस्तों। ब्राउजर में आने के बाद में आपको एक लिंक दूंगा दोस्तों, उस लिंक को आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, या फिर सिंपली याद भी कर लीजिए 192.168.1.1। इस पर जैसे आप लोग एंटर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। तो सिंपली यूजर नेम में आपका एडमिन रहता है दोस्तों, पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड आपके डीलिंक के पीछे लिखा रहता है, वो भी एडमिन रहता है। तो सिंपली एडमिन डालकर आप लोग ओके कर दीजिए। जैसे आप लोग ओके करेंगे, यहाँ पर से आपका पेज ओपन हो जाएगा। कुछ स्टेप से आपका पेज ओपन होगा दोस्तों। उसके बाद में आपको सिंपली सेटअप पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर सेटअप विजार्ड पर क्लिक करना है। याद रहे दोस्तों, जितने भी आप लोग के डीलिंक के राउटर होंगे, सबका प्रोसेस सेम होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर से आपको यूजर करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड पूछ रहा है। तो इसमें आपको क्या डालना है दोस्तों, जो अभी हमने जो यूजर आईडी और पासवर्ड मिला था हमारे डीलिंक की तरफ से, तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पर। उसका पासवर्ड आप लोग चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, या नहीं करना चाहे तो सीधे स्किप पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं इसमें सीधे स्किप पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं अपना इंडियन टाइम जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, जो है हमारे यहाँ पर 5:30 PM। यहाँ पर हम जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर से हमारा आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद हमें कोई सेटिंग नहीं करनी है, सीधे हम पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, हम लोग इंडिया से, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर BSNL सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। जैसे हम लोग ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद से हमें यहाँ पर यूजर नेम पूछा जाएगा। यूजर नेम क्या होता है दोस्तों, ये जहाँ पर से हमने अपना ब्रॉडबैंड के लिए अप्लाई किया होता है, ये वहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है। तो जैसे मैंने BSNL से अप्लाई किया था, तो BSNL वाले क्या करते हैं, हमारे जिस भी नाम पर हमारे कनेक्शन होता है, उसी कनेक्शन के पहले के दो अक्षर जो होते हैं, दो लेटर जो होते हैं, उसी नाम को ये लोग यूजर नेम बना देते हैं। तो सिंपली मेरा नाम है जो डिजिटल की ओर से हम लोग कर रहे थे, DI कर देते हैं। DI हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद में हमारा जो टेलीफोन नंबर होता है तो दोस्तों, उसी नंबर को ये लोग क्या करते हैं, यूजर नेम बना देते हैं। जैसे कि हमारा, चलिए हम लोग यहाँ पर अपना पूरा फिक्स कर लेते हैं। तो टेलीफोन नंबर लगाने से पहले आपको अपना STD कोड लगाना पड़ेगा, बिना जीरो के। उसके बाद में आप लोग अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। टेलीफोन नंबर एंटर करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर अंडरस्कोर दे देना है। उसके बाद में NCDR, ये दोस्तों यूजर नेम हो गया हमारा। यूजर नेम हमें ये हमारे BSNL ऑफिस से मिला है। उसके बाद हमें यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देना है, पासवर्ड भी हमें BSNL ऑफिस से ही मिला है। तो सिंपली मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से डबल पासवर्ड, फिर से यहाँ पर पासवर्ड टाइप करता हूँ। उतना करने के बाद में दोस्तों, हमें सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपने वाईफाई का नाम रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको अपना वाईफाई को शो करवाना है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इस टिक को हम लोग हटा देंगे, तो आपका वाईफाई दिखेगा नहीं, सिर्फ कंप्यूटर में चलेगा। तो चलिए, मुझे वाईफाई को शो करवाना है, यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट करने को आएगा। तो आप लोग अपना वाईफाई का जो भी नाम रखना चाहे वो रख दीजिए। सिंपली मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम रख देता हूँ। ये रखने के बाद में सिंपली अब यहाँ पर फिर से हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद में दोस्तों, सिंपली अगर आप लोग का अपना वाईफाई यहाँ पर दिखाना है, तो यहाँ पर विजिबल पर छोड़ दीजिए, और यहाँ पर अगर नहीं दिखाना है तो इनविजिबल कर दीजिए। आपके मोबाइल में भी वाईफाई शो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये वाईफाई अवेलेबल होगा। फिर आप लोग को अपने वाईफाई की सेटिंग, मोबाइल में वाईफाई की सेटिंग में जाकर ऐड नेटवर्क पर क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पर अपना यूजर नेम ये डाल दीजिए, अपना वाईफाई का नाम ये डाल दीजिए, और जो भी आप लोग पासवर्ड रखेंगे
वो पासवर्ड यहाँ पर से डालेंगे तो आपका वाईफाई कनेक्ट होगा। तो सिंपली मैंने अब यहाँ पर सिक्योरिटी की बात है, यहाँ पर चार ऑप्शन होते हैं, सबसे लास्ट वाला सिलेक्ट कर लीजिए, ये सबसे हाई होता है, ये हैक नहीं होता है। अब आपको वाईफाई का पासवर्ड रखना है दोस्तों, सिंपली मैं यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड रख लेता हूँ, और ये वाईफाई का पासवर्ड रखने के बाद में आप लोग को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में पूरा एनालाइज करने का आएगा ऑप्शन, इसमें आप लोग पूरा देख लीजिए आप लोगों ने बिल्कुल सही से डिटेल भरी हो, क्योंकि यहाँ पर एक भी स्पेलिंग इधर से उधर होने में नहीं चलेगा। तो सिंपली अगर आपका सही है तो अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली आपको ऐसे ही करते जाना है, और आप लोग ऐसे करेंगे आपकी सेटिंग हो जाएगी दोस्तों, आपका नेट चल जाएगा। तो आगे वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।